हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। आई ऑफन वंडर, कैन स्टोरीज हील पीपल? कैन स्टोरीज डील विद स्टिग्मा, मिसकंसेप्शंस? कैन स्टोरीज हेल्प पीपल ओवरकम देयर फियर्स? ऑफ कोर्स दे कैन, एंड दैट इज आवर एफर्ट टू यूज storytelling as a powerful tool to help people change behaviors, overcome thoughts that they have grown up on, prejudices, misconceptions. I'm really delighted that today we are making this small effort to use a story to address a very, very important issue. And maybe this story and many, many more stories like these can go a long way in spreading awareness on the issue of cervical cancer and all other cancers, because that is also linked to slowing down our life, an effort that we are doing in India under the Slow Movement, trying to urge people to live a more fulfilling, enriched, unhurried, uncluttered life, which we feel will directly impact their health, both physical and mental. चलिए शुरू करता हूं कहानी। इस कहानी को लिखा है मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राजनायर ने, और इस कहानी का नाम है क्यों घबराए ये दिल। दिल होम होम करे घबराए, घन धम धम करे गर जाए। रसोई के काउंटर पर रखे छोटे से पोर्टेबल स्पीकर से निकलकर आवाज पूरे घर में फैल रही थी। पता नहीं ये भूपेन हजारिका की आवाज का दर्द था या अंजलि के भीतर का डर। उसके गालों पर बार बार आंसू ढुलक आ रहे थे। वो टिश्यू से आंखें पोंछते हुए मेथी की पूरियां तलती जा रही थी। अंजलि पिछले 15 वर्षों से न्यूजर्सी में रह रही है। उसके बड़े से घर में छोटा सा हिंदुस्तान सांस लेता था। तीज त्योहार मनाए जाते, रसोई में राई जीरे और मीठी नीम के छौंक पड़ते, पूजा घर में धूप बत्ती कपूर की खुशबू आती रहती है। अच्छा था ये सब सहेजना, पर मन जो ना सहेजना चाहे वो भी तो उसके भीतर अनचाहे ही कब्जा जमाए हुए था। माँ, नॉट अगेन यार, ये टूरिंग, ये फ्लाइट्स, इट्स माय जॉब। माँ, आप ऐसे डरते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? आई एम 20 नाउ, ओके ओके। सोनल ने अपनी माँ को कस के गले से लगा लिया। उस पल को वो माँ बन गई थी अंजलि की, एक डरे हुए बच्चे की माँ। सब ठीक होगा मॉम, चिल। उसने अंजलि का माथा चूमा और पास रखी प्लेट से पूरी उठाई, उसमें सब्जी रखी और रोल बना के मुंह में ठूस लिया। एक बूंद कभी पानी की मेरी अखियों से बरसाए, घर में गूंजता ये गाना जैसे अंजलि की जिंदगी की कहानी कह रहा था। एक अनजाना सा डर था जो उसके अंदर हमेशा समाया रहता था, सोनल को खो देने का डर। वो घबराई रहती थी कि उसकी बच्ची को कुछ हो ना जाए। किसी फ्लाइट में, लिफ्ट में आते जाते, या उसकी तरह कैंसर। वो नींद से अचानक जाग जाती, टटोलती कि पास में सोनल है ना। वो कभी सोनल को कॉल कर लेती, कभी भी। वो ना फोन उठाए तो बार बार करती, परेशान हो जाती, बरस पड़ती सोनल पर। कहाँ थी तुम, फोन क्यों नहीं उठाया, मैसेज कर देती ना। सोनल कुछ नहीं कहती, बस अपनी माँ को कस लेती बाहों में, और तब तक कसे रहती जब तक वो शांत न हो जाती। हे व्हाट्सअप, क्या चल रहा है? पम्मी आंटी अपनी सैंडल की खटखट के साथ सीधे अंदर चली आई। कमरा उनके तेज परफ्यूम की खुशबू से भर गया। हेलो आंटी, आप एकदम सही टाइम पे आए हो। मेरी फ्लाइट है और माँ एज यूजुअल डर रही हैं। प्लीज आप ही समझाओ ना इन्हें, आई गॉट गो। सोनल फ्लाइंग किस हवा में उड़ाते हुए तूफान की तरह बाहर निकल गई। अंजलि के डर बेमानी नहीं थे,
उसने महीनों कीमोथेरेपी झेली थी, रेडिएशन से होकर गुजरी थी। चेहरे का स्याह होना, बालों का गिर जाना, सब सहा था। सर्वाइकल कैंसर से उसने सीना तान के लड़ाई की थी, पर पिछले कुछ सालों से मन पर न जाने कहां से ये डर के बादल मंडराने लगे थे और अंजलि उनसे हार मानने लगी थी। डॉक्टर कहते हैं एंग्जाइटी है, अनजाने डर से पैदा हुए ख्याल हैं जो परेशान करते हैं। वो कहते हैं कि अंजलि को सोच बदलनी होगी, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कितना कुछ बताया है सबने, पर डर वहीं के वहीं। मैं क्या करूं पम्मी, कहीं ये बीमारी सोनल को भी, ओ गॉड, मैं सोचना भी नहीं चाहती, एक वही तो है मेरी लाइफ में। कहते हुए अंजलि की आवाज भर्रा गई, आंखों के कोर गीले हो गए। पति से अलग होकर अंजलि ने अपनी बेटी को अकेले पाला था। मुश्किलें तमाम थीं, परदेश था, कोई नौकरी नहीं थी, बैंक में बैलेंस नहीं था, पर वो घबराई नहीं, सब संभाल लिया था धीरे धीरे। लेकिन ये डर, ये डर उसे जीने नहीं दे रहा था। जब से कैंसर हुआ था तब से उसको बार बार लगता कि कहीं उसकी बेटी, नहीं उसे कभी कुछ नहीं होगा। वो खुद को समझाती पर कोई फायदा नहीं था। ये डर जैसे किसी दैत्य की तरह पांव पसारने लगा था। सोनल की पम्मी आंटी यानी परमिंदर अंजलि की सबसे प्यारी दोस्त थी। जब जब सोनल बाहर जाती वो अंजलि के पास चली जाती उसका अकेलापन दूर करने, पर आज वो उसके सारे डर दूर करने आई थी। पम्मी ने दो कप बढ़िया स्ट्रांग कॉफी बनाई और अंजलि को एक कप पकड़ा के उसके पास बैठ गई। कुछ देर वो उसे चुपचाप देखती रही, फिर बोली, ये जो बड़े बड़े रोग के तुम नाम लिया करती हो ना, उसे बिल्कुल बंद कर दो। अब देख अंजलि, हम अंधेरे से तब तक ही डरते हैं ना, जब तक रोशनी ना हो जाए। अंजलि खिड़की से बाहर झांकती रही जैसे पम्मी की बड़ी बड़ी बातों से उसे कोई वास्ता ही ना हो। अपनों को खो देने के डर से बड़ा क्या कोई भी डर, कोई भी ख्याल होता होगा क्या? ये डर ऐसी बातों से नहीं डरका करते, बड़े जिद्दी होते हैं, ढीठ होते हैं। पम्मी ने झुक के अंजलि की कलाई थाम ली और बोली, तुम्हारी चिंता खत्म हुई अंजलि, अब के सोनल लौटेगी ना तो उसको HPV वैक्सीनेशन लगवा देंगे, बस सर्वाइकल कैंसर की टेंशन तुम फिर बिल्कुल मत पालना। अगले साल 21 की हो जाएगी तो रेगुलरली पैप टेस्ट करवाते रहेंगे। मैंने समीर का भी HPV वैक्सीनेशन करवा लिया है, अब अपने बेटे की मुझे कोई चिंता नहीं है। नाउ माई सन हैज प्रोटेक्शन अगेंस्ट HPV रिलेटेड कैंसर्स। वैक्सीनेशन फॉर कैंसर, अंजलि हैरान थी। पम्मी ने उसके सामने एक लैपटॉप रख दिया, सामने स्क्रीन पर जो दिखा उसे अंजलि पढ़ती रही। 11 साल के ऊपर के बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की, वैक्सीन देना चाहिए, यानी 11 से 15 के बीच दिया तो सिर्फ 2 डोज, और अगर 15 साल के बाद दिया तो 26 साल तक 3 डोज। अंजलि ने कॉफी का मग साइड पे रखा और बार बार पढ़ने लगी, ऊपर नीचे स्क्रॉल करती रही। उसका दिल भी ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहा। वो खुश होकर बोली, पम्मी ये सच है ना, सर्वाइकल कैंसर से सेफ रहेगी ना मेरी बच्ची? पम्मी मुस्कुरा दी, एकदम सच, और अब से डर डर के नहीं जीना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, नो फियर ऑफ लूजिंग माई गर्ल, नो फियर एट ऑल। अंजलि मुस्कुरा दी और साथ ही आंखों से दो बूंदें भी लुढ़क आईं। माओं का खुशी में रो देने का दस्तूर तो वैसे भी बहुत पुराना है। बस इतनी सी थी ये कहानी। आई एम वेरी हैप्पी टू कोलैबोरेट विद द गुड पीपल एट IACAN इन व्हाटएवर स्मॉल वे आई कैन टुवर्ड्स द कॉज ऑफ कैंसर प्रिवेंशन।